कैसे खूबसूरत चेंक निकल के आया बीफ का। हा 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 हा, देखें वाह 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 वाह, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्या बात। कैसे हैं ब्रो? अब उसाद भाई कैसे हैं? इनके सामने मंदी में लेके आया, ऊपर सर था। अच्छा सर था, अल्लाह है। देखें भाई यहाँ पर मैंने अपना बिजनेस क्लास में अपग्रेडेशन करवा दी है भाई, नेक्स्ट लेवल गैमा गैमी लगी हुई है। देखें कितना बड़ा बर्तन है जिसके अंदर ना हलवा रखा हुआ है भाइयों ने। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं लाहौर से और रात को बारिश हुई है। देखें गाड़ी के ऊपर पूरा पानी आया हुआ है बारिश का, और अभी हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता करना है, फिर जाना है इस्लामाबाद, और फिर इधर डब्बा लग गया, फिर इस्लामाबाद से जाना है मैंने सऊदी अरेबिया। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और आपको लाहौर में और इस्लामाबाद के सफर में खुश आमदीद। अभी हम लोग आ गए हैं इकबाल टाउन मू मार्केट के पास और यहाँ पर हैं चाचा बसा। हमें हमारे दोस्तों ने रेकमेंड किया था कि चाचा बसा के पास नाश्ता करना, और इस टाइम पे यहाँ पर ठीक ठाक गहमा गहमी भी नजर आ रही है, आज संडे भी है। ये छोटी सी दुकान है यहाँ पर बीच में चाचा बसा, और इस तरफ खान लाला बन्नू भी खुला हुआ है, और साथ भी दाल चावल और बिरयानी वगैरह की शॉप है वहाँ पर। चाचा बसा किन के नाम से है? परदादा जी। आपके परदादा जी, माशाल्लाह। तो कितने अरसे से चले? 22 साल। अच्छा, 1910 से माशाल्लाह, यानी कि 113 साल से माशाल्लाह मार्केट में है, फूड मार्केट। क्या ये मटन टिक्की है या चिकन भी बनाते हैं? चिकन ही बनाते, सिर्फ मटन ही बनाते हैं। वाह भाई, आपका इसमें ग्रामी यार, आपका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। ऐसी पूरी भी होंगी ये सिर्फ? हाँ अच्छा ठीक हो गया। ये यहाँ पर पूरी जो है सिर्फ वाइट ब्रेड की है, ठीक है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह पूरियाँ बनाते जा रहे हैं भाई, क्या बात है। दो भाई यहाँ पर बना रहे हैं पूरी, वाह। भाई नेक्स्ट लेवल गहमा गहमी लगी हुई है, देखें कितना बड़ा बर्तन है जिसके अंदर ना हलवा रखा हुआ है भाइयों ने। ये इस तरफ आलू की भुजी है अंकल जी, और उधर चने हैं। देखें जी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त टिक्कियां बन रही हैं, हम लोगों ने टिक्की भी लेनी है यहाँ से, और फिर मजीद चीजें जो है ना ट्राई करनी है साथ में। ये सिर्फ मटन में बना रहे हैं। चलें जी नाश्ता कर लिया, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। खास तौर पे उनकी जो टिक्की थी ना वो बड़ी बैलेंस्ड और बहुत मजेदार थी, और उसमें हैवी नहीं थी बहुत ज्यादा, तो वो मैंने एंजॉय किया। हलवा पूरी तो फिर है ही, जिसके लिए पूरी लाइनें लगी होती हैं यहाँ पर। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। ऐसा पंजाब के जो मोटरवेज हैं ना मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, और ख़ास तौर पे जब आप इस्लामाबाद में आ रहे होते हैं और आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन पहाड़ तो बहुत अच्छा लगता है। खैर इस टाइम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और अभी मैंने उठाना है सूट हमारा यहाँ से जो मैंने 3 पीस लिया था। चलें जी हमारा सूट इधर आ गया, और हम आ गए सेवियर फूड्स पे। हम लोगों ने नाश्ता किया था लाहौरियों की पसंद का, और अभी लंच हम लोग करने लगे हैं इस्लामाबाद वालों की पसंद का। ये भाई साहब इन खूबसूरत मनाजिर में बैठ के हमारा पुलाव आ चुका हुआ है, और मुझे एक शिकायत है वो ये कि हरी मिर्ची नहीं है यार। आपको पता है मैं हरी मिर्ची बहुत शौक से खाता हूँ, तो यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं मिली मुझे। हम लोगों ने रायता सलाद और पुलाव मंगवाया लेग पीस के साथ जो है ना, राई मारे बिस्मिल्लाह पढ़ के साथ में रायता। देख खवातीनों हजरात, हम लोग आज दूसरा दिन है मेरा इस्लामाबाद में। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एक हमारे और भाई भी अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और भाई ने रेकमेंड किया है कुछ स्पेशल। कौन सी चीज है यार? ये कार्निवोर्स हैं, बेक मीट ऑफर करते हैं। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन्स। तो अभी जाके जरा चेक करते हैं इंशाल्लाह कि क्या ऑफर है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ब्रो? क्या हाल? ठीक ठाक। अब साथ भाई कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में मिल रहे थे। हां ठीक है। द वे दे मेक दिस स्टफ इज अमेजिंग। सर आप बेक करते हैं? नो ऑयल्स इन्वॉल्वड, नथिंग। और सर आप बेक करते हैं और काफी दिनों की मैरिनेशन होती है और फिर 12 घंटे बेक करते हैं इसको। ओके, सो बहुत स्मूथ इनका होता है, आप भी देखेंगे ना। एंड देन इनके अपने होममेड मसालास होते हैं। ग्रेट। तो वो उस पे जब आप वीडियो पे दिखाइएगा द वे दे स्प्रिंकल इट, अमेजिंग माशाल्लाह। सो मुझे आप भी मीट लवर है, मैं भी मीट लवर हूं और ये भी माशाल्लाह मीट लवर है। ग्रेट। सो इंशाल्लाह आप चिकन लवर? नहीं, मैं मीट खाता हूँ लेकिन मीट का कुछ हिस्सा जो है ना खास वो नहीं खाता, जैसे सर हो गया और इस तरह की बाकी जो आदमी मुझे खास वही मुझे याद आ गया। इनके सामने मंदी में लेके आया, ऊपर सर था। अच्छा सर था, अल्लाह है। और इनको बार बार हम लोग तंग कर रहे थे कि ये सर का, उसमें वो दांत जबान भी सब कुछ हर चीज आंखें आंखों तक उसमें होता है। और देखें वो वहाँ पर मंदी जो है ना, जो कबीले का सरदार होते हैं उसके सामने रखते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी तकरीन के लिए। हालांकि नफरत वो भी कर रहा होता है। अच्छा, वो भी हेड ऑफ ट्राइब। लिटरली हेड है ना। अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो जो उसकी स्टाइल नहीं होती, उनको भी रोल करके ना मगाजीन कहते हैं उसको। हाँ, they don't leave anything. और वो अक्सर ओजरी के ऊपर लगते हैं। एग्जैक्टली, उसके ऊपर मैं इसको सफाई करके। अच्छी सफाई हो तो मजेदार। अच्छा, उसके अंदर फिर वो गुर्दे वाला फैट भी साथ में शामिल करते हैं ना, तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। बल्कि इनफैक्ट वो लुकमान हकीम को भी एक बादशाह ने कहा ना कि जब तुम एक मेढ़ा जबर करो उसके बेस्ट पार्ट्स लेके मेरे पास, तो वो ना जबान और दिल लेके आ गया। तो फिर कहा अच्छा एक और दिन का जबर करो और बेस्ट पार्ट्स वर्स्ट पार्ट्स लेके आओ, वो जबान और दिल लेके आ गया। लेकिन ये क्या किया तुमने? कहता है ये जबान और दिल अच्छे तो बेस्ट पार्ट्स है, इनके पास बेक्ड बीफ और लैम होता है इस तरीके से अंदर इन्होंने रखा होता है। अब भाई ने ये पार्सल अंदर से निकाला है। कितना कितने ग्राम हुआ है? 930। बीफ की मछली आने लगी है भाई। 15 to 20 hours। क्या बात है, देखें कैसे कैसे खूबसूरत चेंक निकल के आया है बीफ का। हाँ 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 हाँ, देखें शक्ल से इतना ज़्यादा नरम लग रहा है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्या बात है। ये अंदर से गूदा निकालने लगे हैं मिक। ओ देखें माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये अब इसका जो बचा हुआ जूस है ये ऊपर डालेंगे। ये इधर ही टेस्ट करवाने लगे हैं लगता है। ग्रेट, बिस्मिल्लाह। देखें सर्विंग के टाइम पे जो टेस्ट करते हैं ना आप, उसका बहुत मजा आता है। सही बात है। ओ क्या बात, ये बारिश हो गई मसाले की। हनी, क्या बात, ये लैम नेक आने लगी है अभी। गर्दन देखें यार, गर्दन किस तरह से निकल के आ गई। गर्दन को खोल दिया, लोग काटते हैं, इसने खोल दिया। अरे ये भाई हमें टेस्ट करवाने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई सब हमारा ऑर्डर यहाँ पर सब हो चुका हुआ है। ये है यहाँ पर हमारे पास स्नैक जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी ट्राई की है। और देखें किस तरह से इसके रेशे नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और इस तरफ है हमारे पास अपना बीफ शैंक। देखें इसके रेशे, अंदर फैट देखें। वाह। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर ख़वातीन व हज़रात। अभी हम लोग निकल रहे हैं जद्दा के लिए। भाई साहब अभी मैं सिक्योरिटी चेक वैक करवा ली है, इंटर हो गया हूँ। ये एक कार्टन इसमें बाकर खानी है जो लाहौर से ली थी, वो इसमें पैक्ड है और इसको रैप करवा लिया है मैंने। लेकिन इस टाइम पे देखें सामने बोर्डिंग पे ना ठीक ठाक रश है, तो मैं यहाँ पर साइड पे बैठा हूँ और हमारे कुछ यार दोस्त भी हैं इधर, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा यार ये ना मुझे जो एक शीशा नहीं, शीशे वाला यहाँ पर लगा होता है कि गिलास टूटने वाला उस पर बना होता है, मतलब इसके ऊपर टूटने वाली चीज़ है, तो वो वाला स्टिकर यहाँ पर लगाना है जिससे
आगे चीज़ें रखने वाले भाइयों को पता चल जाएगा कि इसमें टूटने वाली चीज़ है। वो स्टिकर लगवा के फिर वो बोर्डिंग वोडिंग करनी है हमने। और भैया एरिया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट में नमाज़ पढ़ने का। देखें माशाल्लाह भाई अहराम पहन के जा रहे हैं उम्रे पे। अच्छा जी, लोग अक्सर हमारे पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होती। मुझे लगता है कि ये नज़र का फ़र्क होता है, पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। अब देखें जैसे हम लोग यहाँ पर अभी लाइन में लगे हुए थे जहाँ पर एग्ज़िट का ठप्पा लगता है, तो वहाँ पर ना जो ख़वातीन थी उनके साथ जो मर्द थे, मतलब जो पूरी पूरी फैमिलीज थी उनके मर्द भी और ख़वातीन भी, वो बग़ैर लाइन के जा रहे थे, ठप्पा लगवा के जा रहे थे। हालांकि होना इस तरह चाहिए कि लाइन ख़वातीन की अलग होनी चाहिए, मर्दों की अलग, और जो एज्ड लोग हैं वो लोग बग़ैर लाइन के जाएँ, मतलब जो 60 प्लस हैं। तो अब इनमें एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि देखें लाइन में जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग लगे हुए थे, सब ज़ाहिर है पाकिस्तानी हैं, तो जब फैमिलीज़ लाइन को क्रॉस करके जा रही थी आगे, तो किसी ने मना नहीं किया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फैमिलीज़ का कितना ज़्यादा एहतराम किया जाता है। दूसरी बात ये कि एज्ड लोग, एक बाबा जी जो है मेरे साथ बैठे हुए थे वहाँ पर, जब सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग आए तो उन्होंने मेरा बैग पड़ा हुआ था सीट पे, मैंने बैग हटा दिया, वो बैठ गया। तो लोगों को देखें ना, फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अलावा वो जो बाबा जी थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन बाबा जी को जो है ना रिस्पेक्ट दी थी, इस वजह से ना वो बाबा जी मेरे आगे आके रुकने लगे। सफ़ेद दाढ़ी वाले थे, काफ़ी एज थे, 80 लग रहे थे, 80 उनकी एज होगी या हो सकता है 75 इस तरह। फिर मैंने उनको बाबा जी को कहा, मैंने कहा आप जाएँ बग़ैर लाइन के जाएँ, मेरे आगे काफ़ी लोग थे। तो जो लोग भी थे वो बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे थे ना उस अंकल को। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लोगों को इन चीज़ों का कदर नहीं है कि हमारे यहाँ एक फैमिली सिस्टम और बड़ों की इज़्ज़त करना वगैरह, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखना चाहिए और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करना था तो सोचा अपग्रेडेशन करवा लें, और फिर खाना भी यहाँ पर अच्छा मिलता है, तो खाना भी आज जो है ना सही फोड़ने पे मूड है मेरा। ये अभी लैपटॉप पे काम मैंने ठीक ठाक करना है, काफ़ी काम मैंने अपना पेंटिंग रखा हुआ था यहाँ पर, आपको पता है बिजनेस क्लास का फिर अपना मज़ा है, आपकी सीट पूरी जो है ना नीचे डाउन हो जाती है, बेड बन जाती है, तो आप आराम भी कर सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये वाले फ़ायदे होते हैं। और इस तरफ देखें दो विंडोज़ हैं हमारे पास, और ख़ास तौर पे ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी नए हैं, मतलब जितने पहले थके हुए होते थे ना ये उतना थका हुआ नहीं है, ये अच्छा है। तो ख़वातीनों हज़रात, हमारा आ चुका है यहाँ पर लंच, और देखते हैं हमारे मेन कोर्स में क्या है। वाह, वैसे इसकी ये खुली हुई थी, ये जो ऊपर लगाते हैं क्या कहते हैं इसको, अरबी में तो गज़दीर कहते हैं, पर ये मुझे, मैं बहुत खुश होता हूँ पीआईए में जब मिर्ची देते हैं साथ में, आपको ठंडा टीन पैक देते हैं। यहाँ पर हमारे पास केक है, इधर थोड़ा सा सालन बना हुआ है, चावल है, और इस तरफ बारबेक्यू बोटियाँ वोटियाँ हैं, और ये मक्खन, ये अपने बॉस के लिए ले जाएं जब आप जा रहे हो ना परदेश से यहाँ से, तो आपने जाके अपने बॉस को मिलना होता है तो ये साथ ले जाएं। और इस तरफ हैं ये हमारे चम्मच, और इस खूबसूरत लंच के साथ ये खूबसूरत मंजर बाहर का देखें भैया। ये है सालन टाइप, तो इसको चावलों के साथ ट्राई करें, होपफुली अच्छा होगा, मज़ेदार। ये वाली ब्रेड ली है मैंने, इस ब्रेड के साथ ये है जनाब वाला सालन, ब्रेड के साथ ज़्यादा मज़ेदार है। बाकी ये बारबेक्यू थोड़ा सा चावलों के साथ ट्राई करें, मिर्ची जो है ना मेरी किस्मत में तीखी नहीं थी तो ये बैड लक हो गया। मलाई बोटी और साथ में ये चिकन बोटी साथ में दी हुई है, मलाई बोटी अच्छी बनी हुई है, इसमें स्ट्रॉन्ग कोकोनट का टेस्ट इससे फील होता है। देखिए मक्खन जो है ना हमेशा आपका टेस्ट बढ़ा देते हैं, तो मक्खन के साथ ये बोटी को लगाएं और इसको खाएं चावलों के साथ, मज़ेदार चावलों के साथ। यार मैंने जो है ना बिजनेस क्लास में वैसे ही मील आपका अच्छे साइज़ का होता है, बटर एंड ब्रेड विद चिकन ज़्यादा मैंने इंजॉय किया। भैया एक्स्ट्रा मील हम लोगों ने उनसे डिमांड किया तो एक्स्ट्रा मील मिल गया है, लेकिन एक गुरी कराने के बाद
पहले उन्होंने देखा मेरी तरफ आंखें फाड़ के, उसके बाद जाके लेके आया मील। कहते हैं कोशिश करता हूँ लेके आता हूँ, फिर कोशिश के बाद मिल गया मील उनको और लेके आए। लेकिन दोबारा जो मील लेके आए वो इकोनॉमी क्लास वाला लेके आए, और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। भाई मैंने अपनी सीट चेंज कर ली थी, ये देखें ये हमारी पोजीशन है इस टाइम पे। चले भाई साहब पहुँच गए, और आज मैं बिल्कुल पहला आदमी था जो जहाज से बाहर निकला, थैंक्स टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के क्रू। लें भैया बस में भी पहले पहले, क्या बात। लेकिन क्रू की एक कहानी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो भैया हम लोग पहुँच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट में, और क्रू का आपको बता रहा था वो ये कि उनसे थोड़ा बहुत मैं गपशप कर रहा था यार, उनको सैलरीज बड़ी लेट मिलती हैं उनके बकौल, अल्लाह आलम कह रहे थे कि अभी पिछले महीने की अभी तक नहीं मिली, पता नहीं यार, मतलब 18 दिन 20 दिन लेट हो जाती है उनकी सैलरी, तो उनमें इतनी ज़्यादा फिर मोटिवेशन नहीं होती काम करने की क्रू में। ये भैया सब बसें हैं यहाँ पर मस्जिदुल हराम ले जाने के लिए हमारे हुज्जाज के राम को। देखें भाई हमारी लेक्सिस पे हमारे एक भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आपको 2-3 दिन पहले मैंने पाकिस्तान में देखा है। आपने मेरी नाक में दम करके रखा है कि लेट लेट लेट, अब मुझे 3 मिनट हो गया मैं इधर खड़ा हूँ आपको। ओए होए होए, ये 3 मिनट का पता नहीं कितनी बार कर्जा उतारोगे, अब मुझे इसका खतरा है। आज असल में ये देख लें ये मोहब्बत है, आज असल में जो है ना पी आई ये लेट हो गई। कौन सी नई बात है। मैं जब मैं आया था ना तो जल्दी पहुंचा दिया, ऑन टाइम था, टाइम से भी पहले। वाह वही है ना, या आगे पीछे अपनी जगह पे नहीं रहता। المصور الغفار